वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू गेट अकेडमी। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताएं, ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चे? सत्यम भी नायक, ओके, वेरी गुड यार, वेरी गुड। लास्ट क्लास से कोई डाउट है तो मुझे बताइए। इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम लास्ट क्लास, तो आज हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज। टुडे वी विल डिस्कस क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमने हाउ टू कंस्ट्रक्ट डीएफए विच एक्सेप्ट स्ट्रिंग वेयर नंबर ऑफ एस मॉडुलो 5, नंबर ऑफ एस मॉड 5 नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बीस मॉड 3। वेरी गुड क्वेश्चन सत्यम बी नाइक। आप क्या करें देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले आप एक डीएफए बनाए नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस इन ए डब्ल्यू इक्वल टू कॉन्ग्रेंट 0 मॉड ऑफ 5 के लिए, ओके। और एक डीएफए बनाए नंबर ऑफ बीस, नंबर ऑफ बीस इन डब्ल्यू 0 मॉड 3 के लिए, एक डीएफए के लिए, एक डीएफए के लिए। और आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। और जब आप एंड करेंगे, दोनों का एंड करेंगे, तो दोनों में जो कॉमन स्टेट्स फाइनल होगी वो फाइनल बन जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? योगेश थैंक यू सो मच, योगेश मालवीय। तो हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, क्लोजर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टीज का डिस्कशन जो किया था वो मैंने किया था रेगुलर लैंग्वेज में, रेगुलर लैंग्वेज में, रेगुलर लैंग्वेज में। तो मैंने वहां पूरी क्लोजर प्रॉपर्टीज आपको नहीं बताई थी रेगुलर लैंग्वेज में, ओके। कुछ छूटी वहां कुछ कम प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। कौन कौन सा हमने डिस्कशन किया था? हमने डिस्कशन किया था यूनियन, यूनियन के बाद हमने डिस्कशन किया था इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। वेट एक मिनट, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, रिवर्सल, कंकाटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंड अनदर वन इज रिवर्सल हो गया, कंकाटिनेशन हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्लीन क्लोजर, क्लीन क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर, ये हमने डिस्कशन किया था। व्हाट डू यू मीन बाय द क्लोजर प्रॉपर्टीज?
एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने कहा एक लैंग्वेज मेरे पास L1 है, दूसरा L2 है, दोनों रेगुलर है, दोनों रेगुलर है, ठीक है। अगर मैंने इसके बीच में यूनियन ऑपरेशन लगाया या इंटरसेक्शन लगाया, सेट डिफरेंस लगाया, रिवर्सल लगाया, कंकैटिनेशन लगाया, कॉम्प्लीमेंट लगाया, क्लीन क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर, डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता रहा हूं, इनमें से कोई भी ऑपरेशन लगाया तो रिजल्ट जो आएगा, रिजल्टेंट जो लैंग्वेज आएगी, दैट इज ऑलवेज रेगुलर, ऑलवेज रेगुलर। तो अभी इसकी कुछ क्लोजर प्रॉपर्टीज बची थी, फिर इसके बाद हम क्लोजर प्रॉपर्टीज देखेंगे सीएफएल की, कि भाई सीएफएल की क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है, सीएफएल की क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है। तो जो रिमेनिंग क्लोजर प्रॉपर्टीज हैं उसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी है होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म सबसे पहली है, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सारे लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो लोग रह गए हैं वो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, मैं 2 मिनट वेट करूंगा, उसके देन आई विल स्टार्ट। जल्दी से सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो बचे हैं वो जो लोग बचे हुए हैं वो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लें, वी विल स्टार्ट विद इन 2 मिनट। गुड इवनिंग प्लेसमेंट, टारगेट प्लेसमेंट, योगेश मालवी, सर आप भोपाल से हो क्या? हाँ यार, मैं इससे पहले भोपाल में था लेकिन अब भोपाल में नहीं हूँ, लेकिन मेरा घर अभी भी भोपाल में है, अभी भोपाल से नहीं हूँ। योगेश आप भोपाल से हैं, किस कॉलेज से हैं बेटा? प्लेसमेंट टारगेट करण, वेरी गुड इवनिंग यार, वेरी गुड इवनिंग। ओ वेरी गुड यार, यू आर फ्रॉम ओरिएंटल, गुड यार, गुड गुड। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या है पहले मैं आपको सुना रहा हूं, फिर उसके बाद लिखते हैं। होमोमॉर्फिज्म कुछ भी नहीं है, एक तरीके की मैपिंग है, एक तरीके की मैपिंग है, मैपिंग है, फंक्शन एक तरीके का मैप करता है। ये क्या करता है, एक इनपुट सिंबल से कहीं और मैप करता है, कहां मैप करता है, किसी स्ट्रिंग से मैप करता है, किसी दूसरे सिंबल्स की स्ट्रिंग से मैप करता है, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, रिप्लेस ईच इनपुट अल्फाबेट सिंबल, रिप्लेस ईच इनपुट सिंबल सिंबल विथ ए स्ट्रिंग, विथ ए स्ट्रिंग डिजाइंड बाय, डिजाइंड फ्रॉम अनदर सेट ऑफ सिंबल्स, फ्रॉम Another set of symbols. Clear? ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। मैं कहूं रिप्लेस ईच इनपुट सिंबॉल मीन्स सिग्मा से अनदर सेट ऑफ सिंबॉल्स टाउ, ठीक है। कैसे मैपिंग करेगा ये, कैसे मैपिंग करेगा, फंक्शन क्या होगा मैपिंग का, सिग्मा टू टाउ स्टार, सिग्मा टू टाउ स्टार। डेफिनेशन क्लियर है बच्चे, अभी एग्जांपल देखते हैं, डेफिनेशन क्लियर है सबको, डेफिनेशन क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। इनपुट अल्फाबेट है मेरे पास A कॉमा B,
और अनदर सेट ऑफ अल्फाबेट है मेरे पास टाउ 0.1 एंड मैपिंग फंक्शन इज एच ऑफ ए इक्वल टू 0, एच ऑफ बी इक्वल टू 1 एंड लैंग्वेज एल इक्वल टू ए स्टार बी स्टार. आई वॉन्ट टू होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एच ऑफ एल. आई वॉन्ट टू होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एल एल सर बी अनूप कुलकर्णी थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू. पढ़ाई करनी है बस बेटा. एच ऑफ बी इक्वल टू 1 एच ऑफ नाउ वी वॉन्ट होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ दिस लैंग्वेज. सो वॉट इज द होमोमॉर्फिक इमेज पुट क्या कहा डेफिनेशन में रिप्लेस ईच इनपुट सिंबॉल विथ ए स्ट्रिंग डिजाइन फ्रॉम द अनदर सेट ऑफ सिंबॉल. तो एच ए की जगह मुझे क्या पुट करना है 0 क्योंकि ये अपने आप में स्ट्रिंग है. एच ऑफ बी की जगह मुझे क्या पुट करना है 1 तो 0 स्टार 1 स्टार. दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू एवरी वन. नो सॉरी बिने कोई नहीं इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं है भैया बिने कुमार ना इट्स नाउ प्रयागराज प्रयागराज बेटा इलाहाबाद नहीं है वो प्रयागराज है. आकांक्षा सक्सेना क्लियर है. अनूप क्लियर है. करण बेटा क्लियर है सबको. क्लियर है बच्चे. अनूप यू आर फ्रॉम विच सिटी एंड कॉलेज. क्लियर है बच्चे ये सबको. चलिए अगर यही मैं कर देता एच ऑफ ए इक्वल टू 0.1 एच ऑफ बी इक्वल टू 1.0 देन व्हाट इज द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एच ऑफ एल 0.1 स्टार 1.0 स्टार. वेरी गुड ओके नवी मुंबई क्लियर क्लियर है भैया. क्लियर है बच्चे. होमोमॉर्फिक होमोमॉर्फिज्म क्लियर है सबको. होमोमॉर्फिज्म क्लियर है. तो रेगुलर लैंग्वेजेस क्लोज्ड अंडर होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म. क्लियर फर्स्ट पॉइंट. नाउ यही हम डीसीएफएल की बात कर लेते हैं और सीएफएल की बात कर लेते हैं. तो डीसीएफएल डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नॉट क्लोज्ड अंडर होमोमॉर्फिज्म. बट नेक्स्ट सीएफएल क्लोज्ड अंडर होमोमॉर्फिज्म. क्लियर है फ्रेंड्स. नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए. ये प्रूफ ही तो है बेटा भाई ये प्रूफ ही है. ये प्रूफ ही है प्रॉपर्टी है सत्यम बी नाइक प्रॉपर्टी है होमोमॉर्फिज्म. इसमें हमने क्या किया हर अल्फाबेट को हाँ प्रूफ कैसे कर सकते हैं. देखिए प्रूफ कैसे कर सकते हैं. यू कैन डिजाइन डीएफए फॉर दिस वन ऑल्सो. यू कैन डिजाइन डीएफए फॉर दिस वन दैट इज अ प्रूफ. भाई कोई भी लैंग्वेज रेगुलर कब होगी जब मैं उसके लिए डीएफए क्रिएट कर दूंगा तो वो लैंग्वेज रेगुलर होगी. तो मैं इसके लिए डीएफए क्रिएट कर दूंगा तो ये लैंग्वेज भी रेगुलर होगी. दिस इज अ प्रूफ सत्यम बी नायक. दिस इज अ प्रूफ सत्यम बी नायक. क्लियर है. और जब भी मैं नॉट लिखता हूं ना मैंने डे वन में बता दिया था सत्यम. क्लियर हो गया.
जब भी नॉट लिखते हैं टीओसी में मेरे दोस्तों, जब भी नॉट की बात आती है टीओसी में, तो उसका मतलब यह होता है कि हो भी सकता है नहीं भी, हो भी सकता है नहीं भी। क्लियर है बेटा? नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? डीसीएफएल इज अ सबसेट ऑफ, डीसीएफएल इज अ सबसेट ऑफ सीएफएल। तो ये भाई कोई चीज यहां है तो ये जरूरी थोड़ी कि यहां हो। करण प्लेसमेंट टारगेट, क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हो गया टारगेट? क्लियर हो गया। चले अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है एप्सिलॉन फ्री होमोमॉर्फिज्म। एप्सिलॉन फ्री होमोमॉर्फिज्म, इट इज नथिंग बट हियर वी कैन नॉट रिप्लेस एनी इनपुट अल्फाबेट टू एप्सिलॉन। हम क्या नहीं कर सकते एप्सिलॉन फ्री होमोमॉर्फिज्म में, कि हम किसी भी अल्फाबेट को एप्सिलॉन से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर टू होमोमॉर्फिज्म, सिमिलर टू होमोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म ओनली डिफरेंस इज द ओनली डिफरेंस इज द वी कांट रिप्लेस एनी इनपुट सिंबॉल, any input symbol with epsilon। पता नहीं आप क्या नहीं समझ रहे हैं। देखिएगा एक चीज मुझे बताइएगा, सारे के सारे DCFL जो है वो CFL है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है क्या जो CFL है वो DCFL होगा? अगर कोई लैंग्वेज CFL है, CFL है, L1 जो है वो CFL है, तो इसका ये जरूरी है कि ये DCFL भी होगी? प्लेसमेंट टारगेट, ये जरूरी है कि ये DCFL होगी? हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ये DCFL हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एम, एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यूनियन ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एम, एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये CFL है बट DCFL नहीं है। वेरी गुड इवनिंग जोगेश्वर। प्लेसमेंट टारगेट क्लियर हो गया? प्लेसमेंट टारगेट क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है सबको? सारे बच्चों को क्लियर है बच्चे? ये दिस इज क्लियर टू एवरीवन? दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? बड़े इंपॉर्टेंट है, क्लोजर प्रॉपर्टी से दो नंबर का, तीन नंबर का भी गेट में आ सकता है और हर साल आता है, हर साल आता है। मैंने कहा था ना क्लोजर प्रॉपर्टी वाली टेबल और एक डिसाइडेबिलिटी वाली टेबल, इससे तीन नंबर तक का गेट में, तीन क्या चार नंबर तक का गेट में आता है और हर साल आता है भाई। क्लियर है? तो ऑल लैंग्वेजेस एप्सिलॉन फ्री में सारी की सारी क्लोज होती हैं, एप्सिलॉन फ्री में सारी की सारी लैंग्वेजेस क्लोज होती हैं, एप्सिलॉन फ्री में सारी की सारी लैंग्वेजेस क्लोज होती हैं।
क्लियर है? सिर्फ डीसीएफएल को छोड़कर, डीसीएफएल नॉट क्लोज्ड, बाकी चाहे वो आपकी रेगुलर लैंग्वेज हो, साइज सीएफएल हो, सीएसएल हो, रिकर्सिव इनुम रिकर्सिव हो, आगे हम देखेंगे सीएसएल क्या है, रिकर्सिव क्या है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, रिकर्सिव हो या रिकर्सिव इनुमेरेबल हो, ये सारी की सारी क्लोज्ड है इस ऑपरेशन में, सारी की सारी क्लोज्ड है। क्लियर है भैया ये ऑपरेशन सबको? ये ऑपरेशन सबको क्लियर है? क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर है? जल्दी से बताइए आप मुझे। चलिए नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट ऑपरेशन इज सब्स्टिट्यूशन। ये कुछ भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन और एक बार समझा दीजिए क्या। देखिएगा इनवर्स होमोमॉर्फिज्म में, सॉरी होमोमॉर्फिज्म में आपका रेगुलर क्लोज्ड है, डीसीएफएल क्लोज्ड नहीं है, सीएफएल क्लोज्ड है, और एप्सिलॉन फ्री होमोमॉर्फिज्म में आपका सारी लैंग्वेजेस क्लोज्ड है, सिर्फ डीसीएफएल नहीं है। क्लियर है? चलिए यार कुछ फॉगी फॉगी सा हो रहा है क्या भाई? बोर्ड सही है ना, विजिबिलिटी क्लियर है ना, कुछ विजिबिलिटी क्लियर है ना एकदम? विजिबिलिटी क्लियर है बेटा? भाई ये एग्जाम्पल ही तो कराया है मेरे दोस्त, ये एग्जाम्पल नहीं है तो क्या है? ये एग्जाम्पल नहीं है तो क्या है? ये एग्जाम्पल नहीं है तो क्या है? विजिबिलिटी रिड्यूस है थोड़ी सी, नो इट्स ओके, अब ठीक है? सत्यम विनायक अब ठीक है? विनय कुमार ये एग्जाम्पल है बेटा, शायद आप लेट आए हैं, ये एग्जाम्पल करा दिया है मैंने पहले, ये एग्जाम्पल करा दिया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने करा दिया है। अब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अनिमोय दास पहले आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, गेट करना है या प्लेसमेंट करना है। अगर आपने गेट अच्छे से निकाल लिया तो प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा यार, जब आपने गेट अच्छे से निकाल लिया, गेट में आप रैंक ले आए अच्छी, तो प्लेसमेंट तो आपका हो ही जाएगा, प्लेसमेंट तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, प्लेसमेंट तो कोई रोक ही नहीं सकता, प्लेसमेंट तो आपका कोई रोक ही नहीं पाएगा। अगर आपने गेट अच्छे से निकाल लिया है तो प्लेसमेंट कोई नहीं रोक सकता आपका। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि विजिबिलिटी कम है थोड़ी सी? चलिए अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की, अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की कि भाई सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा,
सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ होमोमॉर्फिज्म, एक तरीके का होमोमॉर्फिज्म ही है। होमोमॉर्फिज्म में हमने क्या किया, एक इनपुट अल्फाबेट से दूसरे इनपुट अल्फाबेट की स्ट्रिंग पे मैच किया था, स्ट्रिंग से मैपिंग की थी। और सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, एक लैंग्वेज के इनपुट अल्फाबेट को हम किसी दूसरे अल्फाबेट की लैंग्वेज से रिप्लेस करेंगे। वहां स्ट्रिंग से रिप्लेस किया, यहां लैंग्वेज से रिप्लेस करेंगे। बस लैंग्वेज वो है सेम टाइप की होनी चाहिए, लैंग्वेज जो है वो सेम टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिप्लेस ईच इनपुट अल्फाबेट सिंबॉल, रिप्लेस ईच इनपुट अल्फाबेट सिंबॉल विथ ए लैंग्वेज designed by another alphabet, clear? Visibility में एक मिनट दीजिए, विजिबिलिटी में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, फॉग तो, एक मिनट यार, फॉग आ रहा है, मुझे आप 5 मिनट का टाइम दीजिए, 5 से 5-7 मिनट का टाइम दीजिए, फॉग आ रहा है, मैं उसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ बारिश बहुत हो रही है और जंगल में रहता हूँ इसलिए फॉग जाता है। 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, तब तक मैं इसकी विजिबिलिटी क्लियर करता हूँ, ठीक है। 5 से 7 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है। आप मुझे टाइम दीजिए थोड़ा सा, तब तक मेरे पास कोई ऐड भी नहीं है।
वापस आ जाओ, मैं आ गया भाई, वापस आ जाओ। विजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी, विजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी मेरे दोस्त, मैं आ गया हूँ वापस, आप लोग भी आ जाएं जल्दी से। आ जाइए जल्दी से। तो हम डिस्कशन कर रहे थे, रिप्लेस ईच इनपुट अल्फाबेट अल्फाबेट सिंबॉल विथ ए लैंग्वेज डिजाइन बाय अनदर सेट ऑफ सिंबॉल्स, अनदर सेट ऑफ सिंबॉल्स, सेट ऑफ सिंबॉल्स। क्लियर है? बट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सेम, टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सेम। क्या मतलब है? अगर आप रेगुलर लैंग्वेज ले रहे हैं तो आप रेगुलर लैंग्वेज से रिप्लेस करेंगे, सीएफएल ले रहे हैं तो सीएफएल से रिप्लेस करेंगे, बस यही। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैपिंग कैसे होगी इसमें, इनपुट अल्फाबेट से होगी। व्हाट आर दिस सेट ऑफ लैंग्वेजेस, पॉसिबल ऑल पॉसिबल लैंग्वेजेस, ऑल पॉसिबल लैंग्वेजेस ओवर टाउ, ओवर टाउ, ओवर टाउ। क्लियर? अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, एग्जाम्पल देखें तो देखिएगा, आप मान लीजिए सिग्मा आपके पास ए और पी है, टाउ जो है वो आपके पास 0.1 है, आपने एस ऑफ ए लिया हुआ है 0 स्टार और एस ऑफ बी लिया हुआ है 1 स्टार। आप एक लैंग्वेज से रिप्लेस कर रहे हैं, आप एक लैंग्वेज से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास लैंग्वेज है, मैंने मान लिया लैंग्वेज है एल इक्वल टू ए स्टार बी स्टार, तो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल, 0 स्टार का होल स्टार, 1 स्टार का होल स्टार। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है भाई? क्लियर है? जल्दी से बताएं क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताइए मुझे क्लियर है कि नहीं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अच्छा एक बार रिपीट कर दूं, प्लेसमेंट टारगेट ये एग्जांपल ही तो दिया है मैंने। देखिएगा क्या था, इनपुट अल्फाबेट मेरे पास क्या थे, ए और बी, ठीक है? तो मैंने सब्स्टिट्यूशन फंक्शन क्या बनाया, एस ऑफ ए की जगह मैं रिप्लेस करता हूं इस लैंग्वेज से, एस ऑफ बी को रिप्लेस करता हूं, बी को रिप्लेस, इस इनपुट अल्फाबेट को रिप्लेस करूंगा 1 स्टार से। तो ये भी एक लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है, तो मैं रिप्लेस कर रहा हूं उसको। तो मेरे पास मान लीजिए लैंग्वेज एल थी, तो मैंने इसका सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल निकाला, तो ए की जगह क्या पुट कर दूंगा 0 स्टार और बी की जगह क्या पुट कर दूंगा 1 स्टार। प्लेसमेंट टारगेट क्लियर हो गया? दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन, प्लेसमेंट टारगेट क्लियर हो गया बेटा? चलिए, तो रेगुलर लैंग्वेजेस लास्ट में एक आपको टेबल बनवा दूंगा पूरी, जब ट्यूसी खत्म हो रहा होगा उस समय ये पूरी टेबल बनवा दूंगा। रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर
सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ओके, डीसीएफएल नॉट क्लोज्ड, सीएफएल क्लोज्ड, सीएफएल जो है क्लोज्ड है, क्लियर है, क्लियर है। ऐसे ही जैसे हमने सब यहां एक और हो सकता है, एप्सिलॉन फ्री सब्स्टिट्यूशन, एप्सिलॉन फ्री सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होगा, आप एप्सिलॉन को पुट नहीं करोगे, डोंट यूज एप्सिलॉन, डोंट रिप्लेस सिग्मा, सिग्मा मतलब इनपुट अल्फाबेट विथ एप्सिलॉन, विथ एप्सिलॉन। तो डीसीएफएल को छोड़कर, डीसीएफएल नॉट क्लोज्ड, बाकी सब क्लोज होते हैं, अदर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड, अदर लैंग्वेज आर क्लोज्ड, क्लियर है। पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, क्लियर है बच्चे, क्लियर है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, क्लियर है। मतलब एप्सिलॉन को ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब भैया एप्सिलॉन हम उसमें यूज नहीं करते हैं, आपने देखा था सीएसएल की डेफिनेशन में ही नहीं है एप्सिलॉन। तो मतलब अगर मैं ये चाहूं कि मैं अल्फाबेट ए को, एस ऑफ ए को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दूं, तो इससे रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा एप्सिलॉन फ्री सब्स्टिट्यूशन में, एप्सिलॉन फ्री सब्स्टिट्यूशन है, मैं इस अल्फाबेट को इससे रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ यही मतलब है एप्सिलॉन फ्री सब्स्टिट्यूशन का, एप्सिलॉन फ्री सब्स्टिट्यूशन का बस इतना सा मतलब है। प्लेसमेंट टारगेट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा, सर सब्स्टिट्यूशन एंड होमोमॉर्फिज्म में एप्सिलॉन आ सकता है, हाँ होमोमॉर्फिज्म और सब्स्टिट्यूशन में एप्सिलॉन आ सकता है, लेकिन एप्सिलॉन फ्री होमोमॉर्फिज्म और एप्सिलॉन फ्री सब्स्टिट्यूशन में एप्सिलॉन नहीं आएगा, क्लियर, क्लियर है, क्लियर है भैया, जल्दी बताओ क्लियर है क्या, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, इट जस्ट इनवर्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म। क्या डेफिनेशन इसकी देखिएगा, एच इनवर्स एल होमोमॉर्फिज्म में हमने क्या किया था, एक इनपुट अल्फाबेट को दूसरे इनपुट अल्फाबेट की स्ट्रिंग से रिप्लेस किया था, तो
तो इसका रिवर्स करना है, अब हमको इसका रिवर्स करना है, दैट इज द इनवर्स होमोमोर्फिज्म, उसका इनवर्स करना है, ठीक है। तो होमोमोर्फिज्म की डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स सच दैट एच ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एल, सच दैट एच ऑफ एक्स इज इन एल, ये डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल से समझाता हूं क्या कह रही है ये डेफिनेशन, एग्जाम्पल देखिएगा इसका, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। यहां से मुझे पता नहीं क्यों इस बार ऐसा लग रहा है कि इनवर्स होमोमोर्फिज्म से गेट 2023 में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आएगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास इनपुट अल्फाबेट जो है वो 0 1 है, और वी कैन से ए और बी ले लेते हैं, चलिए, और टाउ अनदर इनपुट अल्फाबेट 0, 1, 2 है, ठीक है। प्लीज लिसन केयरफुली, होमोमॉर्फिक फंक्शन दिया हुआ है आपको एच ऑफ ए, एच ऑफ बी, एच ऑफ ए दिया हुआ है आपको 0, एच ऑफ बी दिया हुआ है 1, 2, ये होमोमॉर्फिक फंक्शन दिया हुआ है, और लैंग्वेज दी हुई है आपको एच एल इक्वल टू 0 star 1 2, 0 star और 1 2 का स्टार ले लेता, 1 2 का स्टार, तो आपको एच इनवर्स एल निकालनी है। अब आप समझिए, यहां देखिएगा ये क्या दिया हुआ है, होमोमॉर्फिक फंक्शन, और ये लैंग्वेज दी हुई है आपको इसका इनवर्स निकालना है। ये लैंग्वेज कैसी है इस वाले इनपुट अल्फाबेट पे, मतलब ये होमोमॉर्फिक लैंग्वेज है, होमोमॉर्फिक लैंग्वेज है, आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकलेगा, देखिएगा 0 star की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0 की जगह आप क्या पुट कर देंगे ए, 0 की जगह आप क्या पुट कर देंगे ए, और 1 2 की जगह क्या पुट, और स्टार तो है ही, और 1 2 की जगह क्या पुट कर देंगे बी। तो देखिएगा ये इनवर्स होमोमॉर्फिक इमेज आ गई, इनवर्स होमोमॉर्फिक लैंग्वेज आ गई, इनवर्स होमोमॉर्फिक लैंग्वेज आ गई। क्लियर हो गया बेटा, अच्छे से देखें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखें बच्चे अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं, अगर कोई डाउट है तो पूछे, इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है इस बार यहां से क्वेश्चन आएगा, और ये भी बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आने के चांस हैं, ये भी आपको अभी बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाइए। बेटा ये क्लियर हो गया सबको, अगर क्लियर हो गया तो मुझे रिप्लाई दीजिए, अगर सबको इनवर्स होमोमॉर्फिज्म क्लियर हो गया है तो मुझे रिप्लाई दीजिए। जल्दी बताइए, क्लियर है इनवर्स होमोमॉर्फिज्म सबको क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई दीजिए जिससे मैं आगे मूव करूं, क्लियर है। चलिए तो मैं आगे मूव कर रहा हूं, इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपके पास इनपुट अल्फाबेट जो है सिग्मा इक्वल टू 0 1 2 है, ठीक है, और आपके पास टाओ जो है अनदर इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी है, ओके, और आपको होमोमॉर्फिक फंक्शन दिया हुआ है एच ऑफ 0 इक्वल टू ए, एच ऑफ 0 इक्वल टू ए, एच ऑफ 1 इक्वल टू ए बी, एच ऑफ 2 इक्वल टू बी ए, और आपको लैंग्वेज दी हुई है ए बी ए बी ए, तो आपको एच इनवर्स एल निकालना है। व्हाट इज द एच इनवर्स एल, थैंक यू प्लेसमेंट टारगेट और करण, बस आप लोग मेहनत करो, आप लोग, मैं कह रहा हूं ना, अगर आप
आप इंटरेक्टिव रहेंगे तो मैं आपसे ज्यादा इंटरेक्टिव रहूंगा, मतलब आपका रिस्पॉन्स आना जरूरी होता है। मैं देखता हूं सिर्फ एक या दो लोग रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी लोग चुपचाप शांति से देखते हैं, बोले क्या करना है चलने दो। तो अगर आपको ज्यादा और अच्छा कंटेंट, और अच्छा कंटेंट हो सकता है अगर आप लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स करें तो। जोगेश्वर का आंसर आया है, प्लेसमेंट टारगेट का आंसर आया, बाकी लोग भी ट्राई करें, बाकी लोग भी ट्राई करें। देखिएगा एच ऑफ इनवर्स एल क्या हो सकता है, मैं ए की जगह पुट कर दूं 0, बी ए की जगह पुट कर दूं 2 2, और क्या पॉसिबल है, मैं ए बी की जगह 1 पुट कर दूं, फिर ए बी की जगह 1 पुट कर दूं 0, और क्या पॉसिबल है, मैं ए बी की जगह 1 पुट कर दूं, ए की जगह 0 और बी की जगह 2, तो दिस इज द एच इनवर्स एल, दिस इज एच इनवर्स एल, दिस इज एच इनवर्स एल। क्लियर हुआ, देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एच इनवर्स एल क्लियर हुआ कि नहीं। देख लीजिए बेटा क्लियर हुआ कि नहीं। क्लियर हुआ है, क्लियर हुआ है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, अनदर एग्जाम्पल, आपके पास सिग्मा है 0 1, टाउ है आपके पास ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, एच ऑफ 0 आपको दिया हुआ है, एच ऑफ 1 आपको दिया हुआ है, एच ऑफ 0 है, एच ऑफ 0 है डबल ए, एच ऑफ 1 है ए बी ए, ए बी ए लैंग्वेज आपको दी हुई है, ए बी प्लस ए होल स्टार, सॉरी ए बी और बी ए ले लेते हैं, ए बी बी ए होल स्टार एंडिंग विथ ए, एंडिंग विथ ए, तो फाइंड द एच इनवर्स एल, फाइंड द एच इनवर्स एल, ट्राई कीजिएगा।
कॉन्टेक्स्ट फ्री सेकंड आंसर है इसका, सेकंड आंसर है देवांजन, सेकंड आंसर है कॉन्टेक्स्ट फ्री है। सीएसएल है ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप लोगे तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री आ जाएगा। जल्दी से कीजिएगा बेटा इसको, जल्दी से कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा इसको। एच इनवर्स एल निकालिए, एच इनवर्स एल फाइंड आउट कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करो आप, लैंग्वेज लिख लो, लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं, फिर देखिएगा क्या होता है, फिर देखिएगा। सबसे पहले लैंग्वेज को एक्सपांड करो, लैंग्वेज में जो जो स्ट्रिंग्स हैं उनको लिखो जल्दी से, जल्दी करो यार, जल्दी कीजिए, खुद से ट्राई करो, दो मिनट दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई करो। देवांजन क्लियर है बेटा, जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा इसको, डू फास्ट। देखिएगा लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग आएंगी, ए आएगी, ए बी ए आएगा, बी ए ए एंड मेनी मोर। एच ऑफ इनवर्सल ए ए की जगह मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या, देखिएगा इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, सिर्फ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एच ऑफ इनवर्स एल में सिर्फ क्या आएगा, वन आएगा, एच ऑफ इनवर्स ऑफ एल में सिर्फ वन आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। देखिएगा अगर आप इसको दो बार ओपन करते हैं तो और क्या स्ट्रिंग आ सकती है, ए बी बी ए, ए बी बी ए ए, तो ए बी ए बी ए, ठीक है, और क्या आएगा, ए बी बी ए, और क्या आएगा, बी ए ए बी, और क्या आएगा, बी ए बी ए ए। तो बाकी आप किसी स्ट्रिंग को इससे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ यही एक स्ट्रिंग है जिसकी मुझे इनवर्स होमोमॉर्फिक इमेज मिलेगी। तो मेरी इनवर्स होमोमॉर्फिक लैंग्वेज क्या आ गई, ओनली वन आया, ओनली वन आया। यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा जिसका गेट 2023 में आने की संभावनाएं बहुत है। देखिएगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने ये क्या निकाला, एच ऑफ इनवर्स एल निकाला। अगर मैं इसका फिर से होमोमॉर्फिक इमेज लूं, इसका फिर से होमोमॉर्फिज्म लूं, तो क्या आएगा मेरे पास, क्या आएगा, वन की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ए बी ए। तो क्या मेरे पास ये लैंग्वेज रिटर्न आई, क्या ये लैंग्वेज रिटर्न आई, क्या नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं किसी लैंग्वेज पे इनवर्स होमोमॉर्फिज्म लगाता हूं, फिर से उस पर होमोमॉर्फिज्म लगाता हूं, तो इट इज अ सबसेट ऑफ एच ऑफ एल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, एग्जांपल आपके सामने है, ये रहा, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं मुझे बहुत टाइम से लग रहा है कि ये 2023 में आएगा। क्लियर है बच्चे, बच्चा क्लियर है सबको, जल्दी से बताइए।
बच्चा सबको क्लियर है, जल्दी से बताइए प्लेसमेंट टारगेट। जोगेश्वर देवांजन एकदम क्लियर हो गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एच ऑफ एल इज, इफ एल इज इनफाइनाइट, इफ एल इज इनफाइनाइट, लैंग्वेज है वो इनफाइनाइट है, देन इनवर्स ऑफ होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिज्म ऑफ एल इज ऑल्सो इनफाइनाइट, इज दिस ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, इफ एल इज इनफाइनाइट देन एच ऑफ एल इज ऑल्सो इनफाइनाइट, इज दिस ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है? साहिल दास फॉल्स, व्हाई इट इज फॉल्स, ऐसा फॉल्स क्यों है? अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो उसका होमोमॉर्फिज्म इनफाइनाइट आएगा कि फाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ये ट्रू है क्या फॉल्स है? सुनील दास कह रहे हैं फॉल्स है, प्लेसमेंट टारगेट कह रहा है फॉल्स है, सत्यम भी नायक कह रहे हैं ट्रू है, फॉल्स वाले बताएं फॉल्स क्यों है और ट्रू वाले बताएं ट्रू क्यों है। अगर आप इसका मुझे कोई काउंटर एग्जांपल दे देते हैं कि वो इनफाइनाइट नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा, अगर आप कोई काउंटर एग्जांपल नहीं दे पाते हैं तो वो ट्रू माना जाएगा। तो साहिल दास एंड प्लेसमेंट टारगेट प्लीज टेल मी द काउंटर एग्जांपल जहां एच ऑफ एल इनफाइनाइट नहीं है। सर प्रीवियस एग्जांपल से तो फॉल्स ही है, प्रीवियस एग्जांपल से तो फॉल्स ही है, प्रीवियस एग्जांपल क्या था? ओके लेकिन यहां तो हम एच ऑफ इनवर्स एल की बात कर रहे हैं और मैं यहां आपसे पूछ रहा हूं होमोमॉर्फिज्म, आप इनवर्स होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द होमोमॉर्फिज्म। क्यों भैया? टारगेट जी पिछले क्वेश्चन में हमने इनवर्स होमोमॉर्फिज्म की बात की थी और यहां मैं होमोमॉर्फिज्म पूछ रहा हूं। क्यों भाई जल्दी बताओ, सोचो थोड़ा सा, टेक कपल ऑफ मिनट्स, उसके बाद आंसर करो, उसके बाद आंसर करो। सीधा एग्जाम्पल देखिएगा, फॉल्स है, आंसर इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लीजिए इनपुट अल्फाबेट आपका ए कॉमा बी है, टाउ जो है 0.1 है, ठीक है, लैंग्वेज है आपकी ए स्टार बी स्टार, ठीक है, फंक्शन मैंने डिफाइन किया एच ऑफ A इक्वल टू सिग्मा स्टार एच ऑफ और सिग्मा, ठीक है, सिग्मा ले लिया मैंने, सॉरी सिग्मा नहीं एप्सिलॉन, एच ऑफ B ले लिया मैंने एप्सिलॉन, देन व्हाट इज एच ऑफ L, एच ऑफ L इज एप्सिलॉन स्टार डॉट एप्सिलॉन स्टार, तो व्हाट इज एप्सिलॉन स्टार एप्सिलॉन, व्हाट इज एप्सिलॉन स्टार एप्सिलॉन,
सो व्हाट इज दिस एप्सिलॉन, और ये फाइनाइट लैंग्वेज है, ये फाइनाइट है भैया, एक ही स्ट्रिंग है इसमें, इसमें एक ही स्ट्रिंग है, क्लियर है, एप्सिलॉन है, क्लियर, इसलिए आंसर फॉल्स है कि हमने लैंग्वेज तो इनफाइनाइट ली थी, मेरी लैंग्वेज तो कैसी थी, इनफाइनाइट थी, बट होमोमॉर्फिज इमेज कैसी आई उस लैंग्वेज की, फाइनाइट आ गई, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्ट, फॉल्स, क्लियर, क्लियर है भाई, क्लियर है, सारे लोग बताएं क्लियर है कि नहीं, सारे लोग बताएं क्लियर है कि नहीं, ऑल ऑफ यू टेल मी इज इट क्लियर और नॉट, सारे बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं, एप्सिलॉन फ्री होमोमॉर्फिज्म हुआ तो हमने एप्सिलॉन फ्री होमोमॉर्फिज्म की बात ही नहीं की बच्चे, हमने एप्सिलॉन फ्री होमोमॉर्फिज्म की बात की है क्या, हमने यहां एप्सिलॉन फ्री होमोमॉर्फिज्म की बात नहीं की ना, हमने तो सिर्फ होमोमॉर्फिज्म कहा, सत्यम बी नायक, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ये आपके 2000 रैंक आगे पीछे कर सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो रैंक में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो रैंक में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी इज, अच्छा इनवर्स होमोमॉर्फिज्म है, ऑल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग डीसीएफएल, ऑल लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड, डीसीएफएल भी क्लोज्ड है, एक मिनट रुकना मैं चेक कर लूं, डीसीएफएल भी क्लोज्ड है, शायद नहीं, कंफर्म, सारी क्लोज्ड है, हाँ डीसीएफएल भी क्लोज्ड है, ऑल लैंग्वेज आर क्लोज, लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, क्लियर, चले नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, नेक्स्ट है राइट क्वेश्चेंट या लेफ्ट क्वेश्चेंट, तो मैं राइट क्वेश्चेंट करा रहा हूं, लेफ्ट क्वेश्चेंट आप समझ जाएगा, राइट क्वेश्चेंट, क्या है इसकी डेफिनेशन समझेगा, सबसे पहले डेफिनेशन देखेगा, राइट क्वेश्चेंट विथ रेगुलर, रिमेंबर दिस थिंग, विथ रेगुलर, डेफिनेशन क्या है, मेरे पास एक लैंग्वेज है L1, राइट क्वेश्चन का साइन, राइट क्वेश्चन का साइन ये है और लेफ्ट का ये होता है, तो मैं राइट क्वेश्चन की बात करूं, राइट L1, राइट क्वेश्चन L2 इज x सच दैट, और मैं कहूं L1 राइट क्वेश्चन L2 W such that there exists x belongs to this language L2 and there exists WX belongs to L1. This is the definition. And और देयर एग्जिस्ट हटा देते हैं यहां से, एंड डब्ल्यू बिलोंग्स टू L1, ज्यादा अच्छा है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किससे बिलोंग कर रहा होगा, L2 से, और डब्ल्यू एक्स किससे बिलोंग कर रहा होगा, L1 से, तो मैं इसका राइट क्वेश्चन लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, W आएगा, एग्जाम्पल देखते हैं फिर अच्छे से क्लियर होगा, फॉर ईच स्ट्रिंग, W मतलब स्ट्रिंग, W क्या है, स्ट्रिंग है, फॉर ईच स्ट्रिंग कोई बात नहीं, प्लेसमेंट टारगेट नहीं समझ में आया, अभी देखेगा, एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा, एग्जाम्पल देखो, देखिएगा L1 है आपका,
01 001 101 001 एंड 1101। और L2 है आपका 01। फाइंड L1 राइट क्वेश्चंट L2। तो एक एग्जांपल मैं करा रहा हूं, उसके बाद आप कीजिएगा। तो देखिएगा राइट क्वेश्चन क्या आएगा। सबसे पहले इस स्ट्रिंग को लूंगा, तो ये W हो गई और इस ये आपका क्या हो गया, सॉरी ये X हो गया, ये X हो गया, इसके पहले कुछ नहीं है, तो W ये हो गया, ये W हो गया। तो एप्सिलॉन डॉट 01 राइट क्वेश्चन 01 क्या आएगा, W आएगा, W क्या है एप्सिलॉन। फिर इस स्ट्रिंग के साथ में लूंगा तो ये X हो गया, ये W है। फिर इसके साथ में लूंगा तो ये X, ये W। फिर इसके साथ में लूंगा तो ये X, ये W। हर स्ट्रिंग के साथ में लेना है ये X, ये W। तो दिस इज माय राइट क्वेश्चन L1 L2 टारगेट प्लेसमेंट टारगेट। समझा, समझ गए होगे, अब समझ गए होगे। देख लो एक बार, अब समझ गए होगे आप। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको, सारे बच्चों को क्लियर हो गया, जल्दी से बताएं मुझे। जल्दी देख लें क्लियर हो गया कि नहीं। सीपी हाँ अवेलेबल है ना यार, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, क्यों नहीं अवेलेबल है, कैसी बात कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन कैसे कर दिया तुमने। सीपी 107 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, वो आपको करना है, उसके बाद स्टॉप कर देंगे आज, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। L1 जो है वो लैंग्वेज है 10*1 10, फेमस क्वेश्चन है, हर बुक में मिल जाएंगे। L2 जो है 0*1 है। देखिएगा जैसे मैं राइट क्वेश्चन निकाल रहा हूं, लेफ्ट क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। तो L1 राइट क्वेश्चन L2, लेफ्ट क्वेश्चन में सिंपली कुछ नहीं होगा, सिर्फ डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, जो पहले W था वो X हो जाएगा और जो X था वो W हो जाएगा। चलिए जल्दी से कीजिएगा L1 राइट क्वेश्चन L2।
यस, आंसर आया किसी का? आंसर आया 1/5। देखिएगा L1 क्या होगा मेरा, 1 1 1 0 1 1 double 0 1 1 triple 0 1 1 4 times 0 1 and so on। L2 क्या होगा, 1 0 1 0 0 1 triple 0 1 and so on। तो हर स्ट्रिंग के लिए चेक करेंगे, पहले इसके लिए चेक करेंगे, तो क्या आएगा 1 1 0 1 double 0 and so on। फिर इसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए यहां से कुछ नहीं मिलेगा, यहां से मिलेगा मुझे 1 और यहां से 1 0 एंड सो ऑन। इसके लिए चेक करूंगा तो यहां से मिलेगा मुझे 1, इसके लिए चेक करूंगा तो यहां से मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 0 star 1 0 star। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है बच्चा? सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो बताएं। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी प्लीज लेट मी नो। रिपीट कर दूं? कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं। चलिए ऑन डिमांड रिपीट कर देते हैं। हमने क्या कहा था, पहले तो डेफिनेशन देखिएगा, हर स्ट्रिंग के लिए चेक करना है आपको, हर स्ट्रिंग के लिए चेक करना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने लैंग्वेज लिखी L1। L1 लैंग्वेज क्या आएगी, ये सॉरी 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 triple 0 1 and so on। L2 लैंग्वेज क्या आएगी, 1 0 1 double 0 1 triple 0 1 and so on। तो सबसे पहले ये मेरी x हो गई, फिर एक बार x ये होगा, फिर एक बार x ये होगा, फिर एक बार x ये होगा। आज तुम्हारा बर्थडे है विकास नवल, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे विकास। मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की करें, गेट में बहुत अच्छी रैंक लेके आए। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, तो एक बार ये एक्स होगा, एक बार ये एक्स होगा, एक बार ये पहले, अगर ये एक्स है तो क्या बनेगा, देखिएगा ये डब्ल्यू हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, ठीक है। तो 1 1 0 1 double 0 and so on। प्लस अब ये x लिया तो यहां से कुछ नहीं मिलेगा मुझे, यहां से मिलना स्टार्ट होगा 1, फिर यहां से 1 0 एंड सो ऑन। प्लस जब ये होगा तो यहां से कुछ नहीं मिलेगा, यहां से मिलेगा 1, नेक्स्ट में 1 0, नेक्स्ट 1 double 0 एंड सो ऑन। तो मैं इन सबका यूनियन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 star। टारगेट प्लेसमेंट, टारगेट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चे? तो आज का यहीं स्टॉप करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल थोड़ी देर तक क्लोजर प्रॉपर्टीज चलेंगी, उसके बाद मैं PYQ स्टार्ट करूंगा। PYQ करेंगे हम तीनों चैप्टर्स के, फाइनाइट ऑटोमेटा के, देन ग्रामर के, देन रेगुलर फाइनाइट ऑटोमेटा, ग्रामर और PDA। उसके बाद हम ट्यूरिंग मशीन पढ़ेंगे। क्लियर है? ये मेरा प्लान है। क्लियर है? अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो पूछिए, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछिए। सर दिस टाइम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर रैंक इंप्रूवमेंट, वेरी हैप्पी दैट यू, थैंक यू साहिल, थैंक यू साहिल दास, थैंक यू। इफ यू वॉन्ट एनी हेल्प From my side, you can text me on Telegram group, okay?
क्लियर क्लियर भैया सभी को? एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? तो चलते हैं फिर, विदा लेते हैं आप सबसे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, जय महाकाल, जय हिंद, जय मां भारती।